गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CS302 का जो टॉपिक है C++ स्ट्रीम्स एंड स्ट्रीम क्लासेज पढ़ेंगे। स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रीम होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसफर्ड बिटवीन दी प्रोग्राम थ्रेड एंड इनपुट आउटपुट। स्ट्रीम क्लासेज C++ के अंदर यूज होती है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस, जो हम फाइल्स और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के साथ परफॉर्म करते हैं। ये क्लासेज स्पेसिफिक होती है फीचर्स और हैंडल करती है इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्राम का। iostream.h लाइब्रेरी है वो होल्ड करके रखती है स्ट्रीम क्लासेज C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आयोस इनपुट आउटपुट स्ट्रीम दो तरह की होती है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम इफ स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम। आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी, आयोस क्लास। आयोस क्लास बेस क्लास होती है सारी स्ट्रीम क्लासेस के लिए। स्ट्रीम्स कैन बी इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स। आई स्ट्रीम क्लास, द आई स्ट्रीम क्लास हैंडल्स द इनपुट स्ट्रीम इन C++। आई स्ट्रीम क्लास है वो C++ में इनपुट को हैंडल करती है। दीज इनपुट स्ट्रीम्स ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू रीड एंड इंटरप्रीट द इनपुट एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं, वो रीड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं इनपुट को सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में। सी इन ऑब्जेक्ट है वो हैंडल करता है इनपुट को। ओ स्ट्रीम क्लास हैंडल करती है आउटपुट स्ट्रीम को C++ में। आउटपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं डेटा को राइट करने में एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। सी आउट एंड पुट अस हैंडल करते हैं आउट स्ट्रीम्स। एग्जाम्पल देखते हैं आउट स्ट्रीम का। सी आउट हैस इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD INT मैन सी आउट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो आउटपुट क्या होगा? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। पुट एस के थ्रू अपन आउटपुट देखते हैं। हैस इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD INT मैन पुट एस ब्रैकेट में डबल कोट्स में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। आउटपुट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो ये आउटपुट के लिए हो गए दोनों, सी आउट और पुट एस। इनपुट के लिए सी इन एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD INT मेन INT नंबर सी आउट एंटर नंबर। एक मैसेज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर एंटर नंबर, तो उसको मैसेज को पढ़ के यूजर है वो एक नंबर एंटर करेगा। तो सी इन है वो NO वेरिएबल बना रखा है उसके अंदर उसको सेव कर लेगा यूजर द्वारा जो इनपुट दिया गया जो नंबर।
फिर सी आउट के द्वारा नंबर एंटर्ड यूजिंग सी इन इज एनओ, तो वो नंबर वापस डिस्प्ले करा देगा। तो आउटपुट आएगा एंटर नंबर, तो यूजर ने एंटर किया 1556, 1556 एंटर किया, तो एनओ जो वेरिएबल था उसमें उसको सेव कर लिया, फिर नंबर एंटर्ड यूजिंग सी इन इज 1556 ये डिस्प्ले करवा दिया। गेट एस, गेट एस से भी हम इनपुट ले सकते हैं, सी इन से लिया वैसे, इससे लेंगे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आईएनटी मैन केयर CH10। एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे जिसका नाम होगा CH और साइज कितनी होगी 10। फिर पुट एस यूज करते हुए यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पर, एंटर ए कैरेक्टर एरे, एंटर ए कैरेक्टर एरे ऐसे पढ़ के यूजर है वो एक स्ट्रिंग एंटर करेगा या कैरेक्टर एरे एंटर करेगा जिसको हम इनपुट लेंगे गेट एस के थ्रू, गेट एस CH जो हमने एरे बनाया उसके अंदर ले लेंगे। फिर पुट एस के थ्रू हम करेंगे द कैरेक्टर एरे एंटर्ड यूजिंग गेट एस इज, कौन सा गेट एस में के लिया था CH, तो CH को पुट एस में डाल देंगे, पुट कर देगा, तो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा एंटर ए कैरेक्टर एरे, तो यूजर एंटर करेगा TTC एंड LRDC। फिर हम पुट एस के थ्रू देंगे द कैरेक्टर एरे एंटर्ड यूजिंग गेट एस इज TTC एंड LRDC। तो ये हमारे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स स्ट्रीम क्लासेज C++ के अंदर हमने पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड आयो।